हाय गाइस, मैं हूं वन गेमिंग और आज हम लोग दोबारा से आ गए अपने पाकिस्तान एसएमपी के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अपनी सीक्रेट बेस। वीडियो स्टार्ट होने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी आकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी। हम लोग चलते हैं अपनी सीक्रेट बेस की तरफ। मैं उसकी लोकेशन रिवील नहीं करूँगा। हम लोगों को इस साइड में जाना है। इस साइड में मैंने एक जगह ढूंढी है, तो हम लोग यहाँ पर चलते रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहाँ हम लोग अपनी सीक्रेट बेस बनाने वाले हैं। बस हम लोगों को बस यहाँ पर अंदर जाना है। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। और बस यहाँ पर हम लोगों को 5-5 ब्लॉक इस तरफ जाना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5 इधर हो गया। अब 5 ब्लॉक ऐसे ही इधर जाना है, ऐसे इधर ही 5 ब्लॉक हो गया। हम लोगों को क्या करना है, जो इसका हम लोगों को क्या करना है, जो इसका यहाँ पर इंट्रेंस है, इससे 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर ही हमें 5 ब्लॉक जाना है। तो यहाँ पर मैं 5 ब्लॉक चाह चुका हूँ, इसको मैंने यहाँ पर तोड़ देना है। बस मैं इसको 2 मिनट, सुबह भी हो चुकी है और मैं सोकर आ चुका हूँ अपने घर पे ऐसे सोकर आ चुका हूँ। हम लोगों को ये पूरा तोड़ना है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अपनी सीक्रेट बेस के अंदर कुछ उल्टे सीधे पत्थर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कि मेरे पास इतने ऐसे पत्थर नहीं है जो मैं इस्तेमाल करूँ अपनी बेस के अंदर। मुझे लगता है कि हमारी सीक्रेट बेस इतनी बड़ी काफ़ी रहेगी, ज़्यादा बड़ी बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो हाँ, ये मैग्मा ब्लॉक्स मिले थे मुझे यहाँ से, और ये कुछ नेदर के ब्लॉक्स मिले थे। हम लोगों को सिंपली क्या करना है, इसको ऊपर से भी तोड़ना है ना हम लोगों को। हाँ, इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, यहाँ से ऊपर वाली पूरी लेयर हटाते हैं और बस 2 मिनट में मिलता हूँ मैं। और हम लोगों को सिंपली क्या करना है, इसको नीचे वाला ही पूरा फ्लोर तोड़ देना। बस मैं 2 मिनट में ये वाले भी तोड़ देता हूँ। तो ये क्या, ये खतरनाक मैग्मा ब्लॉक की लुक आ रही है। मतलब माइनक्राफ्ट वालों ने कुछ ज्यादा रियलिस्टिक कर दिए। हाफ ऐसे ऐसे आ रहा है क्रॉस में, ऐसा लाइन के अंदर ना, और ऐसे ही खतरनाक शेड पड़ रहा है जैसे ऐसे। तो हम लोगों का इतना हो चुका है, बस हम लोगों को जाना है और वुड लानी है बहुत सारी। बस मैं भाग के जाता हूँ और वुड लेकर आ। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने सारी की सारी वुड ले ली है। हम लोग पहुँचते हैं अपनी सीक्रेट बेस के अंदर। मैं आ चुका हूँ अपनी सीक्रेट बेस के अंदर, और हम लोगों को क्या करना है, सिंपली हम लोगों को इस वुड के सारे बना लेने, सारे नहीं बनाने, हम लोगों को कुछ छोड़ देने हैं। इतने काफ़ी रहेंगे, इतने मेरे लिहाज से 64 काफ़ी रहेंगे। 64 हम लोगों ने बना लिए हैं। ये हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को पूरा नीचे कवर कर देना है। ये पूरी ज़मीन दिख रही है ना, इसको हम लोगों ने इससे कवर करना है। मैं अपने हाथ में इधर मैग्मा का ब्लॉक ले लेता हूँ और इधर इसको हम लोग वुड को लगाएंगे। ताकि मैग्मा का ब्लॉक मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि रोशनी आती रहे। बस मैं इसको लगा रहा हूँ, हम लोगों को बस ऐसे पूरे में लगाते रहना है। ये एक सीक्रेट बेस है, इसको हम सीक्रेट बेस की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसकी लोकेशन अगर किसी और को पता चल गई तो सीक्रेट बेस नहीं रहेगी। बस ये मेरा हो चुका है काम कंप्लीट, मेरे फ्लोर का काम हो चुका है कंप्लीट। अब बारी अपनी छत की। छत के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि कोई मिक्स ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। इसको भी ऐसे लगाते हैं और इसको सब कोनों पर ऐसे ऐसे करके ये लगाएंगे हम नेदरराइट के, नेदर के ब्लॉक्स। इसके बीच हम लोग लगाएंगे मैग्मा के ब्लॉक्स ऐसे ऐसे करके। ये मैंने गलत लगा दिया तो तोड़ के कलेक्ट कर लेते हैं। और इधर भी हम लोगों को लगा देना एक मैग्मा का ब्लॉक। ये हम लोगों को सारे कोने, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसके मिडल ब्लॉक ढूंढना है, 2 मैग्मा के ब्लॉक्स। और इसके साथ मुझे यहाँ पर एक
इस साइड पे और एक इस साइड पे लगा देना है नेदर का। हमारे पास नेदर कंप्लीट हो गया। हम लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि इधर हम लोगों को ये भी लगा देने हैं काले वाले। इसके अंदर अंदर हम लोग लगा देते हैं काले वाले जितने भी मेरे साथ पास हैं, जितने थे मेरे पास मैंने लगा दिए। ये हम लोगों का अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। थोड़ा बहुत अपनी सीक्रेट बेस लग रही है कि सीक्रेट बेस है। मैग्मा के ब्लॉक अपने पास ज़्यादा हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैग्मा के ब्लॉकों पर अच्छा कुछ बनाया जाए। तो जब भी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा थोड़े से मैं स्टोन ब्रिक्स लेकर आता हूँ बस। अगर अपनी सीक्रेट बेस के अंदर कुछ अपने स्टोन ब्रिक्स और कुछ ये लेकर हम लोगों को क्या करना होगा। हम लोगों को सबसे पहले जो मुझे बनाने का सोच रहा था मैं वो बनाऊँगा। तो ओके गाइस, मैंने दो गिलास और लगा दिए लाकर। और मैं दो गिलास इसलिए लाया था क्योंकि मैं एक ख़तरनाक चीज़ बनाने वाला हूँ आगे वाली एपिसोड के अंदर। और बाकी जो मैंने गिलास बनाए वो उस चीज़ के अंदर काम आएंगे जब भी मैंने दो गिलास बनाए। तो अपन ये सीक्रेट बेस तैयार है। बस इसके अंदर एक कमी है कि हम लोगों के पास ना क्राफ्टिंग टेबल है। इधर हम लोगों को इधर एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी है। इधर अपना बेड लगाना है, एक अपना सीक्रेट वो है। तो यहाँ पर एक बेड भी लगेगा और क्राफ्टिंग टेबल से हम लोगों को एक चेस्ट बना लेनी है और एक चेस्ट और बना लेनी है क्योंकि अभी हम लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस सीक्रेट लोकेशन के अंदर मैंने एक फार्म बनाना है जो मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ है। मैं यहाँ पर ज़्यादा चेस्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ज़्यादा जगह जाएगी और जिसकी वजह से हम लोग फार्म नहीं बना पाएंगे वो वाला। तो ये गाइस अपनी वाली सीक्रेट बेस तैयार हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर मुझे कुछ टॉर्चेस भी लानी होंगी और मैंने साइड वाली वॉल्स इसलिए चेंज नहीं करी क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है वाली वॉल्स। और मेरे पास ब्लॉक नहीं है क्योंकि जो मैंने एक चीज़ बनानी है वो बनाऊंगा ना मैं इन ब्लॉक से। और मुझे इसका गेट ऐसी जगह बनाना पड़ेगा जिसको कोई ढूंढ ना सके। और इस जगह को मैंने डर्ट से कवर कर दूंगा इस गेट को। ये मैं डर्ट ले लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, किसी का डर देख के कुछ समझ आ रहा है कि हमारी सीक्रेट बेस की एंट्रेंस कहाँ से होगी? तो मैं बताता हूँ कहाँ से होगी। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? हाँ तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग ने डॉगी टीम करने हैं। पिछली वीडियो में कर नहीं पाया और इस वीडियो में भी नहीं कर पाया, लेकिन अगली वीडियो में पक्का हम लोग दो डॉगीज टीम करेंगे। तो जिसने मैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्द जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जितने लोग हम लोगों को देखते हैं उसमें से 96% लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। फालतू में लोग आ जाते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब तो करना ही नहीं है ना मतलब। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे।